अभी दोस्तों हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग और यहाँ आप ना गाड़ियों की खचाखच भीड़ देख सकते हैं। क्या ट्रैफिक लगा हुआ है ऊपर नीचे दोनों साइड ना गाड़ियाँ फुल पार्किंग लगी हुई है। यात्रा का कमाल है ये दोनों साइड तो हमेशा ही लगी रहती गाड़ियाँ, मगर आजकल यात्रा है तो गाड़ी मतलब रोड बिल्कुल खाली नहीं भाई। ये देखो बस गाड़ियों की लाइन आई जा रही है आई जा रही। लाइन नहीं आ रही गाड़ियाँ आ रही लाइन। तो यहाँ पे चल रहा है दोस्तों रेलवे का काम पूरा ही देखो, पूरी सुरंग बन के तैयार हो गई है यहाँ पे और बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है और इस वजह से ना जो रोड का भी बहुत ही बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे। देखो इतने भयंकर रोड हैं यहाँ, डे नाइट चलते हैं ना डंपर तो वो इसलिए रोड की दुर्दशा हो गई पूरी। सही भी करके देंगे वो रोड, ऐसी बात नहीं। कभी भी ना पत्थर कभी भी आ सकते हैं नीचे। इतने तो सफर में आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम पहुंच गए हैं बिलखेत में और देखो पीछे की साइड में ना बहुत बारिश हो रही थी भयंकर तेज और यहाँ देखो धूप लगी हुई है और बारिश का तो कोई नाम ही नहीं है। हालांकि देखो बादल तो छाए हुए हैं। दोस्तों ये है वो ब्रिज जो कुछ ही टाइम पहले ना बिल्कुल इसमें रिपेयरिंग का काम चल रहा था और फाइनली जो है ना रिपेयर हो गया है। इसकी वजह से ना दूसरे रूट होके जाना पड़ रहा था और जब ना मैं अपनी जेठानी जी के यहाँ गई थी तो तब ये वाला ना इसमें रिपेयर हो रहा था तो हम फिर दूसरे रूट से गए थे और अभी ना ये रिपेयर इस रूट से, दूसरे रूट से नहीं गए थे वो गए रहे ना इस रूट से। हाँ तो रूट तो दूसरा ही हो गया ना, तरह से हमें यहाँ से वापस होना पड़ गया था। तो चलिए फाइनली जो है ना हम हॉस्पिटल पे पहुँचने ही वाले हैं और अब तो देखो पीछे ना सो गई है मेरे ना भाई, पाँव में ऐसे जलन पड़ गए ना कलश दबा दबा के, बाप रे गर्म इतना हो रहा अभी तो। तो सोचो थोड़ी बारिश ही हो गई। काफी बड़ा हॉस्पिटल है ये, तो शाम के ना 5:30 बज गए हैं और हम लोग ना हॉस्पिटल से अभी पहुंच चुके हैं बांघाट में। तो हॉस्पिटल में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा, पूरा दिन जो है ना हमारा हॉस्पिटल में निकल गया और हॉस्पिटल में तो होता ही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टाइम भी ऐसे ज़्यादा ही लगता है। और जो हंस फाउंडेशन वाला इनका सतपुली में जो हॉस्पिटल है तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है, लेकिन आज काफ़ी भीड़ भी थी तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया। लेकिन बाहर शहरों के हिसाब से तो इतनी भीड़ नहीं थी, वहाँ पे तो ऐसा होता अभी तक भी नंबर नहीं आता। तो अभी हमने अक्कू की आँखें वगैरह को दोबारा मतलब आँखों को दोबारा टेस्ट करवाया तो फिर से हमें 3 दिन बाद फिर से बुलाया क्योंकि अब अक्कू का आँखों का जो है ना थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो रहा है उसकी आँखों में, तो उसका जो है ना चश्मा भी अब चेंज होगा। तो क्योंकि ये वाला चश्मा उसका अब हटेगा तो दूसरा लगेगा क्योंकि लेंस में फ़र्क आ जाता है, इसीलिए तो चेंज करना पड़ेगा। बाकी 3 दिन बाद फिर आएंगे हम। बाकी बांघट में हम रुक गए हैं, यहाँ पे गाड़ी पार्क कर ली है और पतिदेव ना आगे पे गए हैं क्योंकि यहीं बांघट में ना पतिदेव की कोई साइड भी चल रही है। सामने पे ये देखो बिल्डिंग है ना जो इसमें साइड चल रही है, तो वो वहाँ पे गए हैं थोड़ा अपना सामान वगैरह चेक करने के लिए, उन्होंने मंगवाया होगा तो वही सामान देखना है। बाकी यहाँ पे ना एक शॉप है तो हमने यहाँ पे चाय बनवाई है अपने लिए और यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ। आपको क्या हुआ? गाय मार ना दे कुतरे।
तो यहाँ पे हम ना अपने लिए चाय बनवा रहे हैं, और बाकी ना यहाँ पे देखो घर की लहसुन रखी हुई है, और ये पूरा ना एक गुच्छा जो है 50 रुपये का है, और यहाँ पे एक टॉमी भी लेटा हुआ है। बाकी साइड आप देखेंगे ना तो चूल्हा बना हुआ है, और चूल्हे की ना पूरी बहुत अच्छे से लिपाई करी हुई है, और दीदी लोग बता रहे हैं कि यहीं पे ना वो अपनी दुकान में जो भी मतलब ग्राहक खाना खाने आते हैं वो खाना जो बनता है वो इन्हीं चूल्हे पे बनता है। तो चूल्हे का खाने का स्वाद ही अलग होता है, आप सभी को पता होगा जिन्होंने चूल्हे का खाना खाया होगा, तो यहाँ पर जो है चूल्हे का बना हुआ खाना भी मिल जाता है। तो बन गई है दोस्तों गर्मा गर्म चाय, और आज ना दिन भर जो है ना हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा थकान लग गई है, तो अब ना गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं। और हमने ना दिन भर में ना खाना भी नहीं खाया एक जगह पे, जैसे हम हॉस्पिटल से निकले थोड़ी से आगे पे हमें एक दुकान मिली थी, तो वहीं पे हमने मैगी वगैरह खा ली थी थोड़ी थोड़ी सी, बस बाकी वहाँ कोई खाना नहीं, क्योंकि शाम के टाइम पर खाना कहाँ मिलता, तो इसलिए मैगी वगैरह खाई, और अभी हम जाके जो है चाय पी रहे हैं, तो चाय से थोड़ी सी थकान भी दूर हो जाएगी, और अभी घर जाने में टाइम भी काफ़ी लगेगा। तो दोस्तों अभी चाय पी ली है और अब निकलते हैं घर की तरफ। तभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग, और काफ़ी अंधेरा हो गया है, तो अभी हम देवप्रयाग में कुछ सामान वगैरह लेने के लिए रुके थे, तो अब निकलते हैं घर के लिए, और टाइम हो गया है देखो 7:40 हो गए हैं, तो बिल्कुल 8 बजे तो भयंकर अंधेरा हो जाता है, और अब ना घर पे ही जाके मिलते हैं। हेलो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है लगभग दिन के ना बज चुके हैं 1, और कल हम ना डॉक्टर के पास गए थे सतकुली, और आपने आगे ब्लॉग में देखा ही होगा, तो हम ना रात को भी पहुंचे थे, तो लगभग ना रात को ना हमें घर पहुंचते पहुंचते ना पूरे बज गए थे, लगभग 9 बज चुके थे, और बहुत ज़्यादा लेट इसलिए हो गया था क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो आपको पता ही है कि इतनी लंबी लंबी लाइन लगती है, और इसलिए बाकी आँखों के पेट में भी दर्द हो रहा था, तो उसके लिए भी हम हॉस्पिटल में गए थे दिखाने के लिए, और अभी तो आँखों की तबीयत ठीक है, और अब तो नहीं बता रही है पेट दर्द वगैरह। बाकी आँखों की आँखों का जो हमने टेस्ट करवाया था हमने दोबारा कराया था, क्योंकि 6 महीने हो चुके, तो 6 महीने बाद हमने सोचा कि एक बार चेक करवा लेते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट है या नहीं है उसकी आँखों में, तो उसकी आँखों में ना इम्प्रूवमेंट हो गया है, तो अब जो है उसका चश्मा भी चेंज होगा, क्योंकि जो चश्मा भी लगा हुआ है तो उसका लेंस थोड़ा मोटा है, तो अब थोड़ा हल्का वाला लगेगा, तो लेकिन इसलिए चश्मा चेंज करने के लिए ना अभी हमें ना 3 दिन बाद दोबारा बुलाया, तो अब हम 3 दिन बाद दोबारा जाएंगे, और फिलहाल जो है ना कल तो भी रास्ते में बहुत भयंकर बारिश लगी थी हमें, लेकिन ना इस साइड बारिश नहीं हुई मम्मी बता रहे थे, लेकिन आज काफ़ी चेंज हो रखा है, यानी बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश वगैरह तो कोई सीन तो है नहीं, लेकिन बादल लगे हुए हैं, तो हो सकती है बारिश रात तक, क्या पता बारिश हो जाए। और आदविक भी ना घर में कल ना बहुत उदास सा रहा, क्योंकि बार बार बोलने पे लगा हुआ था कि अक्का अक्का, उसके लिए उसको था कि हाँ मतलब जैसे अक्कू और वो साथ में खेलते हैं, तो कि अक्कू है नहीं घर में, तो काफ़ी उदास हो रखा था, और खाना वगैरह भी नहीं खाया आदविक ने, तो ऐसे ही होता है कि अगर सुबह से बच्चों को छोड़ दो ना शाम तक, तो फिर बच्चे भी ना सोच मतलब आदमी का बड़ा हो गया तो समझने लग गया कि भाई कहाँ गए हैं कि ऐसे करके। बाकी अभी लंच टाइम हो गया है, तो कल तो काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी, तो अभी ना मतलब सुबह काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, अगर एक दिन भी घर में ना रहूँ तो बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं, तो कपड़े वगैरह धोए, ये सारे कपड़े फैलाए हुए हैं साइड, और बाकी अभी मैंने दिन का ना लंच भी बना दिया है, क्योंकि 1 बज गया तो खाना खाने का टाइम हो गया है, और आज लंच में ना हमने खिचड़ी बनाई है मूंग दाल की, तो आपको तो बाकी ठीक है, आपको की तबीयत आपको ना नीचे गई है मेरी बहन लोगों के घर पे, और आधिक नीचे वाले रूम में है, और यहाँ पे पति देव भी है। कैसा रहा कल का सफ़र? ठीक था सफ़र, बहुत बढ़िया, बारिश लग गई थी वहाँ मगर यहाँ पे आज हुई बारिश, और आज देखो पतिदेव और मैं ना सेम हो रहे हैं, है ना, ये देखो मेरे सूट का कलर और इनकी टी शर्ट का कलर सेम ही हो रहा है, तो चलो लंच कर लेते हैं यार, और ना सच में अभी भी ना ऐसे आँखों मतलब आँखें ना बंद जैसे हो रही है, नींद आ रही है ना इतनी ज़्यादा, क्योंकि हॉस्पिटल जाने के लिए भी हम कल ना जल्दी उठ गए थे, और फिर रात को भी लेट पहुँचे, फिर खाना वगैरह खाया तो लेट हो गया था सोने में भी, और आँखों भी थोड़ा परेशान कर गई थी कि पेट में दर्द हो रहा है ऐसे करके, तो अब जो है नींद भी आ रही है, खाना खाते हैं फिर थोड़ी आराम करते हैं, और कल ना मतलब रास्ते में अंधेरा हो गया तो फिर आगे ब्लॉग भी नहीं बना पाई मैं, और आदविक से आपको मिलवाऊंगी, क्योंकि पूरे ब्लॉग में अगर आदविक को ना दिखाओ ना फिर कमेंट आते हैं कि आपने आदविक से तो मिलवाया नहीं,
तो लंच करके जब आदमी को ऊपर लेकर आऊँगी तो आदमी के साथ ही ना ब्लॉग को एंड करेंगे, क्योंकि ब्लॉग भी काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो पहले हम लंच कर लेते हैं, चलो।